अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 नुमेरिकल्स, और ये 3 नुमेरिकल्स वो हैं नुमेरिकल 1, 2, 3 जिनका ताल्लुक है प्रोजेक्टाइल मोशन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है और वो एक इमरजेंसी राशन का पैकेज ड्रॉप करता है किसी भी स्ट्रैंडेड पार्टी को जो कि ग्राउंड पर है, और हेलीकॉप्टर जो है वो ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड के साथ, और उस वक्त उसकी हाइट है 100 मीटर्स। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट वेयर इट वॉज रिलीज्ड, कितनी दूर जाके गिरेगा पैकेट, और बी पार्ट में वॉट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, और जैसे ही वो ग्राउंड तक पहुँचेगा जो पैकेज है तो उस वक्त उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे वेलोसिटी के। तो देख लो ये फिगर, सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो हेलीकॉप्टर था, ठीक है, जब उसकी हाइट थी 100 मीटर, तो जो पैकेज ड्रॉप होगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ इस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से जाहिर सी बात है जब हेलीकॉप्टर एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो पैकेज भी एक्स एक्सिस में मूव करने की कोशिश करेगा, बट ड्यू टू ग्रेविटी फिर नीचे की तरफ आएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि वो इस किस्म का डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें फाइंड करना है कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी कि रेंज कितनी होगी, और जब वो यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर उसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का और वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है हमें, वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकंड जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के अंदर है, और उस वक्त जो हाइट है कैपिटल एच उसको हमने 100 मीटर्स देखा है। फिर जो पैकेज के लिहाज से हो गया, तो हेलीकॉप्टर के लिहाज से था ना, अब पैकेज की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट ही होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और वो होगी एक्स एक्सिस में, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक्सिस मूव कर रहा है तो पैकेज मूव कर रहा होगा एक्स एक्सिस में, तो वी नॉट एक्स हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और उस वक्त यहाँ पर क्योंकि टॉप पोजीशन पर है मैक्सिमम हाइट पर है तो यहाँ पर उसके वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। और हमें फाइंड करनी है रेंज और हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर जो होगी ना वी एक्स और वी वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है कि हेलीकॉप्टर की और उसकी दोनों की बराबर होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली इसको टाइम कितना लगेगा पहुंचने में ग्राउंड तक, क्योंकि अगर टाइम पता लगेगा तो फिर हम पता कर सकते हैं कि कितनी रेंज होगी। तो डेटा के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं सेकेंड इक्वेशन मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने कह दिया फॉर वाई एक्सिस वाला होगा, ठीक है, डिस्टेंस वाई एक्सिस वाला होगा जिसको हम वाई भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी वाई एक्सिस की होगी और वो भी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पर हमें पता है कि जीरो के बराबर थी मल्टीप्लाई बाई टी वन अपॉन टू, और क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है बॉडी तो एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस वाला होगा यानी कि जी के बराबर होगा, और टी उसी तरह से लिख दिया टी स्क्वायर, वी नॉट वाई हमें पता है जीरो के बराबर है तो वी नॉट वाई मल्टीप्लाई हुआ टी से तो जीरो हो गया, माइनस का वन अपॉन टू इंटू 9.8 टी स्क्वायर आ गया, और क्योंकि हमें पता है कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसी वजह से हमने उस एच को भी नेगेटिव कंसिडर किया है। तो नेगेटिव एच इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है, एच हमें पता है 100 मीटर था तो 100 पुट कर दिया और ये हो गया 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9, तो 100 डिवाइड बाय 4.9 किया तो ये हो गया 20.4, और क्योंकि ये टी स्क्वायर की वैल्यू और हमें चाहिए टी की वैल्यू तो टी बराबर आ जाएगा 4.51 सेकेंड। तो मतलब ये कि इस पैकेट को गिरने में टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक गिरने में, वो था 4.51 सेकेंड। तो अब रेंज पता कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, और याद रखो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस की है तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की ही लिखनी पड़ेगी, तो रेंज बराबर आ जाएगा वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, वी नॉट एक्स यानी कि 40 और टाइम अभी अभी हमने पता करा है 4.51, मल्टीप्लाई होकर रेंज आ जाएगी और कितनी आई है रेंज 180.4 मीटर्स। नाउ हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कितने हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो देखो ये बात तो कंफर्म है कि
इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक्स कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता, एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है तो फिर हम यही करेंगे कि जो वेलोसिटी थी इनिशियल 40 मीटर पर सेकेंड वही होगी फाइनल। फिर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सबसे कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट है। Vf हो गया y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी, और बाकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हो गया y एक्सिस की ही इनिशियल वेलोसिटी, जो कि इनिशियली में पता है कि जीरो के बराबर थी, और एक्सेलरेशन g होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो माइनस जी टी, और ये आ गई वैल्यू किसकी, माइनस का 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.51, तो ये हो जाएगा 44.198। अच्छा, नेगेटिव साइन वैल्यू को नहीं शो कर रहा है, ये सिर्फ शो कर रहा है कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है ना, वरना तो हमें पता है कि जो वैल्यू है एक्चुअली पॉजिटिव ही होगी वेलोसिटी की नीचे आते आते। नंबर टू, एक लॉन्ग जंपर है जो कि ग्राउंड को लीव कर रहा है जब उसने जंप करा, और वो है 20 डिग्रीज, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 11 मीटर पर सेकेंड। सो हाउ फार डज ही जंप, वो कितनी दूर जंप करेगा, वट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो बात यह है कि हमें पता करना है कितनी दूर जंप करी, एंगल है 20 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकेंड, कितनी दूर जंप करी यानी कि उसकी रेंज पता करनी है, और हाइट को तो खैर हम एच से ही शो करते हैं, और वैल्यू ऑफ जी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेंज आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी और मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, रेंज का फॉर्मूला, तो वी नॉट स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, और एंगल था 20 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 साइन 40, 11 का स्क्वायर हो गया 121, और साइन 40 की वैल्यू निकाली तो आ गया 0.64, और इसको सॉल्व किया तो इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया कि उस लॉन्ग जंपर की रेंज होगी 7.9 मीटर्स। सेकेंड पार्ट जिसमें हाइट पता करनी थी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला में पता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, तो वी नॉट की जगह पे 11 का स्क्वायर और एंगल आ गया 20 डिग्री। अच्छा, अभी हमने क्या करा, पहले साइन 20 फाइंड किया और बाद में उसका स्क्वायर करेंगे, 0.342 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये हो गया 19.6, और फाइनली जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0.722 मीटर्स, हाइट का आंसर है ये उस लॉन्ग जंपर की। नंबर थ्री, एक स्टोन को थ्रो किया गया अपवर्ड एक बिल्डिंग से, और एंगल बनाया गया 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल, एंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी। अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 45 मीटर्स है, तो हमें क्या क्या पता करना है, हमें पता करना है टोटल टाइम द स्टोन इन फ्लाइट, कितनी देर में ज़मीन तक पहुँचेगा, वट इज़ द स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ज़मीन से टकराएगा, बिल्कुल टकराने वाला होगा, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी, वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, और फिर कहाँ पर टकराएगा यानी कितनी दूर टकराएगा, यानी कि अगर यहाँ से हमने थ्रो कराया है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो वो एक डिस्टेंस कवर करेगा और इस पाथ को फॉलो करेगा, इतना दूर जाके गिरेगा, हमसे पूछा गया ना कितना दूर जाएगा, एक्चुअली हमें पता करनी है रेंज कितनी होगी, और फिर हमें पता करना है कि टाइम कितना होगा टोटल। तो याद रखो टाइम जो है ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए, और बाकी जो होगा वो मैक्सिमम हाइट से नीचे जाने के लिए होगा, और स्पीड उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में किया था। अच्छा, हाइट यहाँ पर हमने जो है ना दो पार्ट्स में कर दिए, एक तो ये एच है, और फिर वो जो एक्स्ट्रा कवर करेगा क्योंकि एंगल के लिहाज से हमने फेंका है उसको, तो वो एच वन हाइट कवर करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एंगल है 30 डिग्री, वी नॉट है 20 मीटर पर सेकेंड, हाइट है 45, इनिशियल स्मॉल एच, तो टोटल टाइम पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और कितनी दूर जाके गिरेगा यानी कि रेंज पता करनी है, और वैल्यू ऑफ जी तो हमें पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ स्टोन फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, मैंने कहा था ना हम इसको ब्रेक करेंगे, अभी हम सिर्फ स्टडी करेंगे ओ से लेके ए तक का, ठीक है, कि यहाँ तक का टाइम देख लेते हैं, और ये कहलाता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जिसके लिए ये फॉर्मूला है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, वी नॉट हमें पता है 20 था, एंगल था 30 डिग्रीज, साइन 30, और फिर ये पूरी वैल्यू सॉल्व करी तो आंसर आ गया 1.02 सेकंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है जिसे हमने नाम दिया है T1 का, वो हमने पता कर लिया कि T1 कितना आ रहा है, T1 आ रहा है 1.02 सेकंड। नाउ ये देख लेते हैं कि उसने कितनी एक्स्ट्रा हाइट कवर करी है, यानी कि H1 कितना होगा,
मैक्सिमम हाइट रीच्ड का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वी नॉट की जगह पे वी नॉट की वैल्यू 20 डिग्री, एंगल की जगह पे आ गया 30 डिग्री, और 2g की वैल्यू 9.8। सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर मिला 5.1 मीटर्स, ये एक्स्ट्रा वाली हाइट भी आ गई h। अब एक्चुअली हमें पता थी स्मॉल एच जिससे शो किया था वो पहले से थी 45 मीटर्स, अब एक्स्ट्रा हाइट कवर करी है h1, तो टोटल हाइट निकाल लो, ये हो जाएगा 45 प्लस 5.1, 50.1 मीटर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए से लेके सी तक वाला टाइम, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, कि भाई अब कितना वो ग्राउंड तक तो पहुंचने में टाइम कवर करे। तो डेटा के मुताबिक सेकेंड इक्वेशन मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस वाई एक्सिस का है तो कैपिटल वाई से शो कर दिया, जो कि बाद में हम बता सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो नेगेटिव एच होगा। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, टाइम टी है और वैल्यू ऑफ जी तो हमें पता ही है। इनिशियली हमें पता है वी आई बराबर है 0 के, जब यहाँ पर बॉडी होगी मैक्सिमम हाइट पर तो वी आई 0 के बराबर होगा, तो वी आई इज इक्वल टू 0, 0 से टी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। फाइनली टी स्क्वायर की वैल्यू को अलग करेंगे तो 50.1 जो कि टोटल हाइट आई थी डिवाइड बाय 10.22। सबसे पहले टी स्क्वायर आया 10.22, और फिर जब हम इसका रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3.19 सेकेंड्स। अब हमें टाइम पता लग गया ऊपर से नीचे आने वाला, ये वाला टाइम पता लग गया, तो अब टोटल टाइम चाहिए था कैपिटल टी, दोनों टाइम्स को ऐड करना पड़ेगा। पहला वाला टाइम था 1.02 प्लस 3.19, और फिर हम टाइम कैलकुलेट कर लिया, टोटल 4.21 सेकेंड। ये हमें टाइम पता लग गया कितनी देर बॉडी फ्लाइट में रहेगी, नाउ कितनी दूर जाके गिरेगी, तो उसके लिए वही जो इससे पहले इस्तेमाल कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, एस इज इक्वल टू वी टी, वी नॉट एक्स बराबर होता है खुद वी नॉट कॉस थीटा के, तो वी नॉट की जगह पर 20 और कॉस 30 डिग्री, और टाइम है 4.21, कॉस 30 0.86 है, सो पूरा सॉल्व करा तो 73 मीटर्स आंसर आया, मतलब ये कि कितनी दूर जाके गिरेगा वो स्टोन, 73 मीटर्स अवे। फाइनली हमें पता करनी है वेलोसिटी कितनी होगी टोटल, तो उसके लिए एक्स भी पता करनी पड़ेगी वाई भी। एक्स कंपोनेंट तो हमें पता है कि कांस्टेंट ही रहता है, जो कि होगा वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट की वैल्यू 20 और एंगल था 30 डिग्री, 0.866, तो वी एक्स हमारे पास आ गया 17.32 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जब पता करनी है वाई कॉम्पोनेंट की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करा और यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक, तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर हमें पता है कि 0 के बराबर है, वैल्यू ऑफ जी 9.8, और टाइम सिर्फ जो दूसरा वाला टाइम था जो हमें लगा था ए से लेके सी तक का, वो कितना था, वो था 3.19, तो उसी को अप्लाई करा है ताकि वी वाई आ जाए, तो वी वाई आ गया माइनस का 31.262। और फाइनली रिजल्टेंट पता करना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करेंगे, वी बराबर आएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर किया, ऐड किया, रूट लिया, तो टोटल आंसर आ गया 35.74 मीटर पर सेकेंड। तो इन तीन न्यूमेरिकल्स के अलावा भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, पहले आप इन तीन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इस वीडियो के लिए काफ़ी है, प्रैक्टिस करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।